हेलो फ्रेंड्स, टाइप कुर्सी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से जो है हम लोग एचपी पुलिस के लिए, पटवारी के लिए जो है आपकी ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं वो शुरू कर रहे हैं बेसिक से। तो आज आपका फर्स्ट लेक्चर जो है वो देखते हैं क्या है। ठीक है, टॉपिक का नाम रहेगा यूनिवर्स, ब्रह्मांड। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो आता है कि जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति, उसके बारे में उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपकी जो सबसे फेमस थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। किसने दी है? जॉर्ज लेमेत्रियर ने। ठीक है, लेमेत्री भी बोल देते हैं आपका हिंदी में, जॉर्ज लेमेत्री ने। अब देखिए ये थ्योरी क्या है, थ्योरी जो है आपकी वो क्या है कि एक पॉइंट था बहुत करोड़ों अरबों, ठीक है, ऑलमोस्ट देखिए आपका 13.5 अरब वर्ष पहले, मतलब एक पॉइंट था जिसको नाम दिया गया पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। इसमें क्या हुआ आपका? विस्फोट हुआ। पहली बात देखिए हुआ क्या कि जो पॉइंट था इसकी बहुत ही ज्यादा असीम, यानी कि लिमिटलेस जो है वो एनर्जी है, इसमें जो ग्रेविटी है असीम है, और इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। और देखिए ये जो आपका पॉइंट था, विस्फोट होने के साथ ही आपका ये फैलना शुरू किया। इसमें जो कण थे वो मूव भी कर रहे हैं और आपका एक्सपेंड भी कर रहे हैं और कोलाइड भी कर रहे हैं, कोलिजन भी कर रहे हैं, और जिनसे धीरे धीरे आपका क्या बन गया, फिर बाद में ब्रह्मांड जो है आपका बना। अब देखिए ब्रह्मांड जो है उसमें बहुत सारी आपकी जो है गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, और उन स्टार्स के सराउंडिंग जो आपके रोटेट करते रहते हैं, रिवॉल्यूट करते रहते हैं, वो हैं आपके प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स के सराउंडिंग में जो है आपके उनके मून्स भी बोल देते हैं, या उनके उपग्रह जिनको सैटेलाइट भी कहा जाता है। तो ये आपका पूरा एक चेन बन जाती है। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका यूनिवर्स, फिर उसमें आपके देखिए बहुत सारी गैलेक्सीज। गैलेक्सीज में देखिए फर्दर आपका, अगर आप एक गैलेक्सी की बात करते हो, बहुत सारे आपके क्या रहेंगे? स्टार्स रहेंगे, और उन स्टार्स के सराउंडिंग आपके क्या रहेंगे? प्लैनेट्स रहेंगे, और प्लैनेट्स के सराउंडिंग में आपका क्या रहेगा? सैटेलाइट। तो ये सीक्वेंस जो है वो आपका बनता है। अब देखिए फर्दर आपके क्या क्वेश्चन आते हैं कि जो गैलेक्सीज होती हैं, जिस गैलेक्सी में हमारा वाला सौर मंडल है, सोलर सिस्टम जो आपने आज तक पढ़ रखा है कि आपके 8 प्लैनेट हैं, आपका सन है, सन भी खुद में क्या है? एक स्टार है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं? तो ये जो है कौन सी गैलेक्सी में आपका स्थित है? तो गैलेक्सी का नाम आता है आपका दुग्ध मेखला। देखिए ये जो लेक्चर है आपका, इसमें ना आपको मैं लिखवा कम रही हूँ, लेकिन जो बोल रही हूँ ना उससे आपने ज्यादा ध्यान देना है। मतलब मैं बोल रही हूँ कि आपने अंडरस्टैंड करना है, लिखने पे ज्यादा आपकी देखिए बहुत सारी छोटी छोटी जो है जीके की बुक्स आती हैं, अरिहंत की है, लूसेंट की है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, वैसे आप कोई भी ले सकते हो, उसको साथ में रख लो और जो मैं बोल रही हूँ उसको आप टिक करते चलिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दुग्ध मेखला जिसको इंग्लिश में और किस नाम से बोलते हैं? मिल्की वे, मिल्की वे। अब देखिए जो गैलेक्सीज होती है ना आपकी, मैंने बोला बहुत सारे स्टार्स से मिलकर के बनी होती हैं। अब देखिए जो दुग्ध मेखला है, फर्दर इसकी शेप कैसी है? स्पाइरल। गैलेक्सी की जो शेप्स हैं वो 3 टाइप की, ठीक है, स्पाइरल, एलिप्टिकल और आपकी इररेगुलर। अब हमारी वाली जो गैलेक्सी है, मैंने मिल्की वे नाम बताया आपको, वो कौन सी शेप की है? स्पाइरल। कैसे दिखेगी? अगर आप इसको ऊपर से ऐसे देखोगे तो आपको दिखेगी, सॉरी ऊपर से कैसे दिखेगी? ऐसे, ठीक है, जैसे स्प्रिंग नहीं होता आपका, स्पाइरल आपने देखा होगा, स्पाइरल लगे होते हैं नोटबुक्स के साइड में, वैसे, ठीक है, ये वाली। और ऊपर से अगर आप देखोगे उसको स्पाइरल को, तो कैसे दिखेगा? ऐसे। तो जो हमारी मिल्की वे है जिसमें हमारा एक सन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो देखो ये सन है आपका, फॉर एग्जांपल के लिए, और सन के सराउंडिंग में आपके क्या हैं? प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये जैसे ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे करके देखो आपके कितने सारे स्टार्स हैं इस गैलेक्सी में, ठीक है। तो गैलेक्सी में भी देखो आपकी संख्या जो रहेगी वो अलग अलग रहेगी, किसी में कितने हैं, और ये भी करोड़ों में हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, और एलिप्टिकल, एलिप्टिकल देखो कौन सी शेप रहती है आपकी, आपने देखा होगा नोटबुक जो होती है आपकी, सॉरी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है उनमें जो सन के सराउंडिंग में जो आपका एक बना होता है प्लैनेट्स के रोटेट रिवॉल्यूशन करने का, मैं वो जो बना होता है,
ठीक है, वो आपका एलिप्टिकल शेप होती है। और इरेगुलर में देखो आपकी कोई भी हो सकती है, तभी तो नाम क्या है उसका, इरेगुलर। तो ये मैंने तीन आपको क्या बताई, टाइप्स बताई गैलेक्सीज की, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आपका सबसे फेमस बनता है कि जो मिल्की वे है उसके सबसे नजदीक में कौन सी गैलेक्सी है, एंड्रोमीडा, देवयानी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया सन क्या है हमारा, एक स्टार है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इसके, एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक में कौन सा है, तो आपका रहेगा सन, ठीक है, क्योंकि तभी तो आपको इतना बड़ा दिखता है ना सन, जबकि आपको तारे क्या दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक में जो रहेगा वो आपका सन रहेगा, स्टार। और हमारी जो जैसे अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है कि और आपका नजदीक में कौन सा बनता है, तो डॉट स्टार, जो सबसे चमकीला है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आता है, पृथ्वी से देखने पर सबसे चमकीला आपका कौन सा है, डॉग स्टार, या जिसको साइरस भी बोलते हैं, ठीक है, कौन सा है, साइरस। तो ये क्वेश्चन भी आपके बनते हैं कि हमारी गैलेक्सी के सबसे नजदीक कौन से आ गई, एंड्रोमीडा, देवयानी, पृथ्वी से देखा जाने वाला आपका सबसे नजदीक का तारा सन, और पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तो आपका डॉग स्टार या साइरस, ठीक है। एक आता है आपका इन, जैसे एग्जाम्पल के लिए गैलेक्सी के बीच की दूरी को मापने के लिए, और एक आता है आपका प्लैनेट्स के बीच की दूरी को मापने के लिए, यूनिट, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों बहुत फेमस है आपकी, एक आपने पार्सेक सुन रखा होगा और एक आपने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हिंदी में खगोलीय दूरी भी कहा जाता है। ये दोनों के दोनों जो यूनिट्स हैं आपके, या तो गैलेक्सी से गैलेक्सी के बीच में, गैलेक्सी में जो फर्दर आपके स्टार्स हैं, स्टार से स्टार के बीच में, और देखो एस्ट्रोनॉमिकल जो आपका ज्यादातर यूज किया जाता है वो प्लैनेट्स और सन के बीच में, प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के बीच में दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो आपने दोनों ही याद रखने हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ, देखो जो पार्सेक और एक और रहेगा आपका लाइट ईयर, ये बड़े यूनिट्स हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ज्यादा डिस्टेंस को मापने के लिए यूज होते हैं, और ये वाला जो है आपका वो प्लैनेट्स और प्लैनेट्स से फर्दर आपका स्टार के बीच में, समझ में आ गया। चलिए, अच्छा लाइट ईयर का एक और क्वेश्चन आता है कि जो लाइट ईयर है उसे कहा क्या जाता है। लाइट ईयर बहुत सिंपल चीज है, देखो लाइट के द्वारा पूरे वर्ष में जो आपका ट्रेवल किया जाता है डिस्टेंस, उसे क्या कहा जाता है, लाइट ईयर कहा जाता है, ठीक है। फर्दर देखिए आपका सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में एक तो आएगा आपका सन, उसके अलावा आएंगे आपके प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स कितने हैं, आठ। अब कोई ये मत बोल दीजिएगा कि नाइन है, जो नौवें नंबर का था आपका प्लूटो, उसको 2006 में क्या कर दिया गया है, आपका निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है, क्योंकि देखिए प्लैनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, जिसकी वजह से बाद में प्लूटो को क्या कर दिया गया है, आपका निकाल दिया गया है। अब आपको मैं समझा देती हूँ कि प्लैनेट होते क्या है, क्या डेफिनेशन रहेगी उसको आइडेंटिफाई करने की। एक चीज भाई, या तो वो सन के सराउंडिंग में घूम रहे हैं, जिससे आपका क्या बनता है एक साल, जैसे पृथ्वी आपकी सन के सराउंडिंग में घूम रही है तो क्या बोलते हैं हम, 365 दिनों में आपकी क्या करती है, वो एक पूरा चक्कर लगाती है, जिसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरा आता है आपका रोटेशन। अब आप लोग बोलोगे कि प्लूटो तो दोनों के दोनों मेथड फॉलो करता है, लेकिन देखिए प्लूटो आपका रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्यूशन भी कर रहा है, और तीसरी चीज जो आपका वो क्या करता था कि घूमते घूमते और रोटेट और रिवॉल्यूशन करते करते वो आपके दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट में घुस जाता था। मतलब बोलने का क्या है कि कभी वो आपका जुपिटर के ऑर्बिट में घुस जाएगा, या कभी वो सैटर्न के आपके ऑर्बिट में घूम जाएगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं। तो ये नहीं करना है, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि आपका जो ग्रह रहेगा वो इस चीज को फॉलो नहीं करेगा। अब ये क्या है, सन से जो प्लैनेट्स हैं एक डेफिनेट ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू बंधे हुए हैं। तो बोलने का मतलब, जैसे आप बचपन में क्या करते हो, एक रस्सी लेते थे ना, और रस्सी से क्या बांधते थे, पत्थर, उसको घुमाते थे, तो आपका वो जो एक पाथ बनेगा ना, वो एक आपका लिमिट में रहेगा, यानी एक डेफिनेट पाथ होगा।
सेम चीज है कि जो प्लैनेट्स हैं आपके वो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेंगे सन के सराउंड घूमने के लिए। तो प्लूटो आपका वो चीज मेंटेन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसको निकाले गया। तो अब प्लूटो को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? आपका ड्वार्फ कैटेगरी में। ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी में। तो होप करती हूँ कि आपको थोड़ा सा पता चला हो क्या डिफरेंस होता है। चलिए अब देखिए, प्लैनेट्स को फर्दर आपका दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, आंतरिक बाह्य। फिर से बोल रही हूँ, आंतरिक बाह्य। और इन्हीं को एक और नाम से भी जाना जाता है। देखिए आपका ये रहेंगे गैसियस, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है? देखिए जो टेरेस्ट्रियल है ना वो आपके सॉलिड है। दूसरी चीज साइज छोटा है। गैसियस नाम से पता चलता है, इनको जोवियन प्लेनेट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? जोवियन, जे ओ वी आई ए एन, जोवियन। और गैसियस हैं और साइज में क्या रहेंगे? लार्ज। अब एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा एस्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह। अब ये क्या होते हैं? सेम, ये भी आपके उसी मलबे से उन्हीं टुकड़ों से बने हैं। जब मैंने आपको बोला ना ब्रह्मांड से आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसी चीज की बात हो रही है। तो वो भी आपके सेम, जैसे प्लैनेट होते हैं ना, प्लैनेट के जैसे टुकड़े होते हैं, यानी कि वो पिंड होते हैं, पिंड बोलते हैं ज्यादातर आपका। सेम आपके ये भी क्या है? छोटे छोटे धूल कण के या उसके टुकड़े हैं, लेकिन देखो साइज आपका वेरी करता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपका क्वेश्चन आता है। अब इसमें होता क्या है कि बच्चों को ना प्लैनेट के नाम भूल जाते हैं कि कौन से प्लैनेट के बीच में आपका ये पाया जाता है। तो याद कैसे रखोगे आप? पहले मैं आपको इनका और इनका बता देती हूँ, जैसे नाम बता देती हूँ। यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कौन से हैं आपके? इनर हैं और टेरेस्ट्रियल हैं, जो सन के नजदीक है। जोवियन प्लैनेट्स में, गैसियस में और आउटर में देखिए आपका सबसे पहले आएगा जुपिटर, सैटर्न, फिर आगे आपका कौन सा आएगा? यूरेनस, ठीक है, कौन सा? यूरेनस, फिर आपका नेपच्यून। लग रहा है पता? तो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट में कौन सा बताया? मंगल। और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में कौन सा बताया आपको? जुपिटर, जिसको बृहस्पति बोलते हैं। तो एस्टेरॉइड जो आपकी बेल्ट पाई जाती है वो कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में पाई जाती है? मंगल, यानी कि जो आपका इनर प्लैनेट्स का सबसे लास्ट वाला है, और इधर देखो आपका बृहस्पति जो कि आपका आउटर का सबसे पहला है इनके बीच में, ठीक है। ये आपके क्या है? एक बेल्ट है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों के एक बीच में क्या रहेगी? एक वो रहेगी, परत सी रहेगी। समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे आपको एस्टेरॉइड भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, कुछ आपके ना फेमस क्वेश्चन रहते हैं प्लैनेट्स के रिगार्डिंग, तो मैं वो वन लाइनर ही है बोल के बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ग्रह कितने हैं? मैंने अभी बोला 8 हैं, ठीक है। उनमें सबसे बड़ा कौन सा है आपका? जुपिटर है। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। सन के नजदीक में कौन सा है? बुध है आपका। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका 71% क्या पाया जाता है? उस पे वाटर पाया जाता है, पानी आपका स्थित है, उसकी वजह से आपको उसको क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। फिर आपका मंगल, उसको क्या बोलते हैं? आपका रेड प्लैनेट। क्यों बोला जाता है रेड प्लैनेट? क्योंकि उसमें आपके आयरन ऑक्साइड जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। फिर आपका सुबह का तारा, शाम का तारा, सुबह और शाम का तारा किसको कहा जाता है? आपका वीनस को, शुक्र। क्यों कहा जाता है? आपने एक शब्द सुन रखा होगा एल्बिडो पावर, ठीक है। क्या है एल्बिडो पावर? अब ये क्या चीज होती है? देखिए जब भी सन से रेडिएशंस आपकी प्लैनेट्स के ऊपर गिरती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। उनमें से ज्यादातर जो आपका एटमोस्फेयर प्लैनेट के सराउंडिंग पाया जाता है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, और कुछ जो है आपकी वो सरफेस से वापस होती है। लग रहा है पता मैं क्या बोल रही हूँ? एल्बिडो पावर जो होती है वो किसी प्लैनेट की, या जैसे अभी मैं अर्थ की ही बात करूं तो अर्थ का जो सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट बैक होने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं एल्बिडो पावर। आपका मैं बताऊं, जो वीनस होता है ना उसकी एल्बिडो पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आपने कभी देखा होगा, आप ना बचपन में एक खेल खेलते हो, क्या करते हो कि मिरर लेते हो और सन के सामने उसको रखते हो, तो आपने देखा होगा कि वो शाइन करता है। और जैसे आप एक दूसरे के चेहरे पे उस मिरर से क्या करते थे, जैसे चमकारा मारते थे, हम क्या बोलते हैं? चमकारा मारना। तो आप आंखें बंद करते थे तो शाइनिंग आती है ना उस मिरर से बहुत ज्यादा।
सेम चीज, वही फिनोमिना आपका यूज हो रहा है कि जो आपकी वीनस है उसके सर्फेस की जो एल्बिडो पावर है बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है आपका सुबह का तारा शाम का तारा। एक और चीज, उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसका साइज जो है वो सिमिलर है। इसके अलावा आपके और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए जो मंगल है, अब मैंने आपको क्या बताया कि वो सभी ग्रह रोटेट कर रहे हैं ना, तो देखिए मंगल और पृथ्वी जो है उनका जो रोटेशनल पीरियड है वो सिमिलर है। अर्थ जो है अप्रोक्सीमेट आपका 24 आवर्स लेती है और जो आपका मंगल ग्रह है वो 24 आवर्स प्लस कुछ टाइम और लेती है, आपका जो मंगल ग्रह है थोड़ा सा टाइम और लेता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज है, तो उसको बोलते हैं आपका रोटेशनल पीरियड जो है उनका बराबर है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखो जितनी भी हम ये कैलकुलेशन करते हैं ना उनकी रोटेशन की रिवॉल्यूशन की, वो सारी हम अर्थ के कंपैरिजन में करते हैं, क्योंकि हमें थोड़े पता चल रहा है कि दूसरे ग्रह पे कैसे आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक आपके देखो यान तो भेजे गए, जैसे मंगल यान भेजा गया है, अभी आपका इसरो जो है वो शुक्रयान लॉन्च करने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो देखो किसके कंपैरिजन में, हम अर्थ के ही दिन के कंपैरिजन में दूसरे प्लैनेट का देखते हैं, ये चीज मैं आपको बताना चाह रही थी। ठीक है, चलो इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन आता है आपका, कि एक और चीज जो मैं आपको बताती हूँ, देखो जो प्लैनेट जितना दूर रहेगा उसको सन के सराउंडिंग घूमने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये बहुत इजी है कि जो आपका नेपच्यून है उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा रिवॉल्यूशन करने में, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है ना आपका, तो उसका जो सर्कुलेशन का जो पाथ है वो भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है आपका कि रोटेशन सबसे फास्टेस्ट किसका है, जुपिटर का, जो सबसे भारी जो आपका सॉरी जो सबसे बड़ा है, भारी नहीं सबसे बड़ा जो आपका ग्रह है जुपिटर, ये क्वेश्चन आपके आते हैं। और फर्दर इनके सैटेलाइट के क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखिए आपका बुध और जो शुक्र है उनका कोई भी सैटेलाइट आपका नहीं रहेगा, फिर आपका मंगल है, मंगल के दो हैं फोबोस और डिमोस, डिमोस जो है आपका वो सबसे स्मॉलेस्ट है हमारे वाले सौर मंडल में, और सबसे बड़ा कौन सा है आपका, तो वो रहेगा ज्ञानमेड, ये किसका है जुपिटर का। ठीक है, किसका है जुपिटर का। और उसके बाद आपका एक और पूछा जाता है जो कि सैटर्न का है, ठीक है शनि का है, जिसका नाम है टाइटन, टाइटन शनि का जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए आपके और कौन से क्वेश्चन बनते हैं, पीछे मैंने आपको ना एक एस्टेरॉइड डिस्कस किया था ना, अभी एस्टेरॉइड में भी देखो आपका जो सबसे बड़ा है उसका क्वेश्चन आता है, कौन सा है, वही जो मैंने आपको पीछे बताया था साइरस, ये सबसे बड़ा क्या है आपका एस्टेरॉइड। इसके अलावा देखो आपके और कौन कौन से आते हैं, मेटियोर और मेटियोराइट, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए ये जो मेटियोर है ये भी आपके सेम पिंड हैं जो कि आपके सोलर सिस्टम में क्या कर रहे हैं घूम रहे हैं सराउंडिंग में, लेकिन जब आपका ये ग्रेविटी को छोड़ के नीचे गिरते हैं, जैसे यूजुअली हम देखते हैं कि पृथ्वी पे गिरते हैं, ठीक है, तो जब आपका ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करेंगे, एटमॉस्फेयर में देखिए हमने फर्दर ना अलग अलग लेयर्स पढ़ी हैं, ट्रॉपो स्ट्रेटो मीजो आयनो और सबसे वाला एक्सो, बाहर वाला एक्सो, जो एक्सो और आयनो है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और वहां पे जिन मेटियोर का साइज छोटा होता है उनको क्या लग जाती है, फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाती है, क्योंकि देखो वो आपका बहुत ज्यादा स्पीड में आके गिर रहे हैं नीचे की तरफ को, तो स्पीड ज्यादा है तो उनमें क्या फ्रिक्शन की वजह से क्या लग जाती है, आग पकड़ लेते हैं। अब मान लो उनका साइज छोटा है तो जब वो फर्दर लेयर को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो आपका आते आते मीजो जो सबसे ठंडा आपका रहता है एटमोस्फेयर का लेयर, उसमें आके वो जल करके राख हो जाते हैं, उनकी धूल बन जाती है, राख बन जाती है, तो नीचे नहीं पहुंचती है, क्योंकि देखो आपका किलोमीटर में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन मान लो अगर उनका साइज बहुत बड़ा है तो आपका वो फर्दर जैसे नीचे गिर रहे हैं, साइज बड़ा है तो एकदम से जब गिर रहे हैं तो आग नहीं पकड़ पा रहे हैं, और फर्दर कहां गिर रहे हैं अर्थ पे, तो क्या बनाते हैं आपके क्रेटर, क्या बनाते हैं क्रेटर। और देखिए ऐसी ही एक क्रेटर लेक, यानी कि गड्ढे में आपका पानी जमा होने से क्या बन गई है लेक, इंडिया में नाम है लोनार, कहां पे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जब आपका वो गिर के कहां गिर जाता है, पृथ्वी पे गिर जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं मीटियोराइट, आपका उल्का पिंड। ठीक है, यहां पे उसका नाम है हिंदी में उल्का, और यहां पे गिर के आपका क्या बन गया उल्का पिंड। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आपका ऊपर ही वो आपका सोलर सिस्टम में घूम रहा है तो उसको मेटियोर बोल दिया, लेकिन जब आपका वो पृथ्वी पे गिर गया प्लेनेट पे गिर गया तो उसको क्या बोल दिया आपका मेटियोराइट बोल दिया। ठीक है, चलिए एक और आता है आपका कॉन्स्टिलेशन,
ये क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, ठीक है, तारा मंडल भी बोल देते हैं इसको आपका। तो तारों का क्या होता है? ग्रुप, संख्या में कुछ भी हो सकती है, ठीक है, पांच छह से लेके आपका हजारों भी हो सकते हैं। तो इनमें जो सबसे फेमस आपने सुन रखा होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, सप्त ऋषि। अब देखिए ये और कौन कौन से नाम से जाना जाता है आपका? सप्त ऋषि जो है, ऊर्सा मेजर, बिग डिपर, ठीक है, ये दोनों इसी के ही नाम है, तो आपने ये भी याद रखने हैं। पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी आपका। और कॉन्स्टिलेशन टोटल अभी तक कितनी खोजी गई है? 89। मैंने बोला खोजी गई है, पता नहीं कितनी है, तो अभी तक कितनी खोजी गई है? 89। और होते क्या है ये? तारों के समूह होते हैं। तो इनमें मैंने आपको सबसे फेमस बताया सप्तऋषि, जिसको ऊर्सा मेजर भी कहा जाता है, बिग डिपर भी आपका कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका एक और जो आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका धूमकेतु, उच्छल तारा भी कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं? ये भी सिमिलर ही चीजें हैं, सारे के सारे पिंड ही हैं। होता क्या है कि जब आपका ये सन की सोलर फ्लेयर या विंड, ठीक है, क्या बोला मैंने? सोलर फ्लेयर और विंड, इनके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इनमें क्या लग जाती है? आपकी आग लग जाती है। और जब आग लगती है ना, तो इनकी क्या बनती है? एक हजारों किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर लंबी एक पूंछ बन जाती है। अब नाम कैसे, कहां से पड़ा है आपका? देखो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमेट। आपने कॉमा देखा होगा, ठीक है, कॉमा समझ में आ रहा है, कॉमा, वही जिसका नाम पड़ा है कॉमेट। अब जब इनकी पूंछ निकल जाती है, और बोला ये जो पूंछ होती है ये हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है आपके, और ये गैसियस होती है। लग रहा है पता क्या बोला मैंने? गैसियस धूमकेतु। तो ऐसे बनते हैं आपके धूमकेतु, नाम रख दिया उच्छल तारा। तो हैं तो सारे के पिंड ही है, सोलर फ्लेयर के कॉन्टेक्ट में आने से आपकी क्या लग जाती है? आग लग जाती है, और एक आपकी पूंछ सी उनकी बन जाती है, जो कि गैसेस की पूंछ होती है और काफी लंबी हो सकती है, सैकड़ों किलोमीटर भी हो सकती है, हजारों किलोमीटर भी हो सकती है। अब इसमें जो सबसे फेमस क्वेश्चन आता है आपका कि ये जो कॉमेट है ना, एक फेमस कॉमेट आता है जिसका नाम है हेली धूमकेतु। ये कितने वर्षों के बाद दिखता है? 76 वर्षों के बाद। और ये आने वाले टाइम में कब दिखेगा आपको? 2062 में, ठीक है, कब दिखेगा? 2062 में। मैं चेक कर लेती हूँ, नहीं मैं गलत ना बता दूं। यस, ठीक है। और लास्ट टाइम आपका कब दिखा है ये? 1986 में। तो यहां से आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने फर्दर आपको बता दिया, ठीक है, 2062 में आपका ये दिखेगा, ये चीज है। तो फ्रेंड्स, आज का जो आपका टॉपिक है इसी के साथ अभी आपका खत्म हो रहा है। कल आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट करिए। थैंक यू।